हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल देव ऑनलाइन हेल्प। दोस्तों, एसएससी की तरफ से कांस्टेबल जीडी की पदों पर वैकेंसी निकाली गई है 25,271 पदों पर। तो अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई है और क्या एज लिमिट रखी गई है, तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को भी ऑल प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी आने वाली लेटेस्ट वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि एसएससी की तरफ से जारी किया गया है। इसमें आपको पूरी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी नोटिस में। तो चलिए हम आपको इसका शॉर्ट नोटिस दिखा देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है कांस्टेबल जीडी की, और इसमें आपको बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, एनआईए और असम रिफिल की पोस्ट देखने को मिल जाती है। इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो 17 जुलाई 2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 31 अगस्त 2021 रखी गई है। तो 31 अगस्त 2021 तक आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 2 सितंबर 2021 रखी गई है। इसके अलावा एग्ज़ाम डेट आपकी बाद में जारी की जाएगी, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की डेट भी अभी यहां पर अपडेट नहीं की गई है, ये भी आपको बाद में जारी की जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, और एससी एसटी कैटेगरी की जो कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। ऑल कैटेगरी की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर निःशुल्क रहेगा, कोई फीस पेमेंट नहीं करनी है, और जो फीस पेमेंट है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या फिर ई चालान के माध्यम से पे कर पाएंगे। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 23 साल के जो कैंडिडेट हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जो एज है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 अगस्त 2021 के अनुसार यहाँ पर काउंट की जाएगी, और गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग जो एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाने वाला है। वैकेंसी डिटेल की बात करें तो आप देख सकते हैं टोटल पोस्ट 25,271 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं। मेल कैंडिडेट के लिए जो है 22,424 पोस्ट हैं, फीमेल के लिए जो है 2,847 पोस्ट रखी गई हैं। पोस्ट को जो है अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर एलिजिबिलिटी की या फिर क्वालिफिकेशन की बात करें तो किसी भी मान्यता प्राप्त जो है यूनिवर्सिटी या बोर्ड से 10th क्लास पास आउट होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट 10th पास है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बीएसएफ के लिए जो है टोटल 7,545 पोस्ट रखी गई हैं, सीआईएसएफ के लिए 8,464 पोस्ट, सीआरपीएफ में यहाँ पर 0 पोस्ट हैं, और एसएसबी के लिए 3,806 पोस्ट रखी गई हैं, आईटीबीपी के लिए जो है 1,431 पोस्ट, एआर के लिए 3,785 पोस्ट, इसके अलावा एसएसएफ के लिए 240 पोस्ट। इस प्रकार से टोटल जो पोस्ट हैं वो 25,271 पोस्ट यहाँ पर रखी गई हैं, और यहाँ पर आप चाहें तो कैटेगरी वाइज भी पोस्ट चेकआउट कर सकते हैं, एससी एसटी ओबीसी जनरल कैटेगरी के लिए और मेल फीमेल के लिए। तो ये पूरी यहाँ पर लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी कैटेगरी वाइज यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। इसके बाद फिजिकल एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं मेल जेंडर ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 170 सेंटीमीटर रखी गई है, और मेल एसटी कैटेगरी के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए जो जेंडर ओबीसी और एससी से हैं 157 सेंटीमीटर, और एसटी फीमेल के लिए जो है 155 सेंटीमीटर। चेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं मेल के लिए जेंडर ओबीसी और एससी कैटेगरी में 80 से 85 सेंटीमीटर है, और मेल एसटी के लिए जो है 76 से लेकर 80 तक है, और फीमेल के जो कैटेगरी में रहेंगी जनरल ओबीसी और एससी में यहाँ पर देखिए चेस्ट कोई भी नहीं रहेगा। रनिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो जनरल ओबीसी और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं 5 किलोमीटर 24 मिनट के अंदर जो है कम्प्लीट करनी है, मेल एसटी कैटेगरी के लिए जो है 5 किलोमीटर 24 मिनट में जो है कम्प्लीट करनी है, फीमेल के लिए जो है 1.5 किलोमीटर की जो दौड़ है वो 8.5 मिनट में कंप्लीट करनी है, और फीमेल एसटी में भी यही यहाँ पर प्रोसेस रहेगा। यहाँ पर आपको फॉर्म फिलअप करने के बारे में डिटेल्स दी गई है, 17 तारीख से लेकर 31 अगस्त 2021 तक आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे,
और फॉर्म फिल करने का जो प्रोसेस है वो आपको यहाँ पर दिखाया गया बताया गया है कि आपको सबसे पहले SSC की वेबसाइट पर विजिट करना है एंड यहाँ पर आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अगर आपके पास जो है पहले से रजिस्ट्रेशन है तो आपको लॉगिन करके आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा बाकी की जो डिटेल्स है वो आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से चेकआउट कर पाएंगे। इसमें आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको सैलरी के बारे में भी डिटेल्स मिल जाएगी। आप देख सकते हैं 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक आपकी यहाँ पर सैलरी रखी गई है। बाकी जो भी क्वालिफिकेशन या सिलेक्शन प्रोसेस या जो भी डिटेल्स है वो आपको इस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप रीड कर पाएंगे। तो इस साइट का लिंक और इस नोटिफिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे, जहाँ से आप विजिट करके इस डिटेल को चेकआउट कर सकते हैं और अपना फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। इसके अलावा आप SSC की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर पाओगे। तो यही था फ्रेंड एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद।